नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने सिवारा ग्राम राणा नगना निवासी कुख्यात बदमाश आदित्य राणा, जो कि 1,00,000 का इनामी बदमाश है, उसकी पत्नी को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना बिजनौर जिले का बदमाश आदित्य राणा की पत्नी गुड्डू उर्फ स्वदेशना के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी। वहां पर पुलिस को बदमाश आदित्य राणा तो नहीं मिला, बल्कि उसकी पत्नी स्वदेशना जरूर मिल गई, जिसके पास से पुलिस को 1,950,000 चरस भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के यूसुफपुर हमीदपुर का है। इस मामले पर एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज प्रातःकाल कोतवाली नगर पुलिस ने ग्राम हमीदपुर यूसुफपुर में दबिश दिया, जहां पर फरार अपराधी आदित्य राणा, जो 1,00,000 का इनामी है, उसकी पत्नी के घर पर तलाशी ली गई तो उसके घर से 1,950,000 चरस बरामद हुई। स्वदेशना की गिरफ्तारी की गई है। अभियोग पंजीकृत करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही जारी।